दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप आय प्रमाण पत्र को आप ऑनलाइन डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो उस समय मैंने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था वो आय प्रमाण पत्र मेरा एक्सेप्ट कर लिया गया है और उसको मेरे पोर्टल पे फॉरवर्ड कर दिया गया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहां पे आपको गूगल में सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, यहां यूपी भी आप लिख सकते हैं, और यहां पे आपको सर्च कर देना है। दोस्तों, सर्च करने के बाद से आपको सबसे पहला वाला ये जो लिंक आएगा edistrict.up.gov.in, दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो मैंने अपना पिछला वीडियो बनाया था कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसका भी लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाके उस वीडियो को देख के आप अपना घर बैठे आय प्रमाण पत्र मतलब कि इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो मेरा सर्टिफिकेट रेडी हो गया, अब मुझे उसे डाउनलोड करना है। तो कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, यहां पे ई डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद से दोस्तों, आपको सिटीजन लॉगिंग पे आपको क्लिक कर लेना है। और सिटीजन लॉगिंग पे दोस्तों क्लिक करने के बाद से, जब मैंने अपने पिछले वीडियो में कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है उसी में मैंने बताया था कि उसका आईडी और पासवर्ड कैसे बनेगा, सब कुछ मैंने आपको उसी वीडियो में बता दिया था। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां पे जाके उसको वीडियो को देख सकते हैं और आप भी अपना घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभी दोस्तों, उसी यूजर आईडी पासवर्ड से मैं यहां पे लॉगिन कर देता हूं। दोस्तों, मैंने अपना उसी यूजर आईडी पासवर्ड से मैंने अपना यहां पे लॉगिन कर दिया है। अभी दोस्तों, आपको करना क्या है, अगर आप नया के लिए करना चाहते हैं तो आप पिछले वाले वीडियो को देख के अपना नया के लिए आवेदन कर दीजिएगा। अभी दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि आपको डाउनलोड कैसे करना है। दोस्तों, जब अपना आवेदन आप कर लेंगे तब आपको क्या करना है कि आपको 1 सप्ताह से 10 दिन तक इंतजार करना है। आपको ऑनलाइन उस पर लेखपाल जो आपके हल्के के होते हैं वो ऑनलाइन उस पर रिपोर्ट लगा देते हैं, और रिपोर्ट लगाने के बाद से दोस्तों वो आ जाता है आपका सर्टिफिकेट यहां पे निस्तारित आवेदन में। तो दोस्तों, आपको 10 दिन बाद यहां पे निस्तारित आवेदन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों, यहां पे आपको सेलेक्ट सर्विस पे क्लिक करना है और इसमें आपको इनकम पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, इनकम पे क्लिक करने के बाद से आपको सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, सबमिट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद से यहां पे देख सकते हैं ये मेरा आय प्रमाण पत्र यहां पे आ चुका है। अभी यहां पे दोस्तों एप्लीकेशन नंबर पे यहां पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, एप्लीकेशन नंबर पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरा आय प्रमाण पत्र जो है वो रेडी हो चुका है। अभी आपको मैं यहां पे दिखा देता हूं, थोड़ा सा मैं इसकी जूमिंग कम कर देता हूं। अभी दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मेरा आय प्रमाण पत्र रेडी हो चुका है। इसमें रिपोर्ट जो लगा है वो 60,000 रुपए सालाना का लगा है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर जो है वो तहसीलदार का है, और यहाँ पे जनसेवा केंद्र से नहीं बनाया है, ये मैंने सेल्फ बनाया है। तो यहाँ पे किसी जनसेवा केंद्र का नाम वाम नहीं आएगा, ये मेरा सेल्फ का बना हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बारकोड भी यहाँ पे लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश शासन यहाँ पे। अभी दोस्तों, यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है, और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों, अगर आप इसको डायरेक्ट अगर आपके लैपटॉप में अगर प्रिंटर कनेक्ट है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज दोस्तों यहां पे आपको सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट कर लेना है। और सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट करने के बाद से यहां पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है, और यहां पे आप अपने डेस्कटॉप या अपने किसी भी ई ड्राइव या डी ड्राइव में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो यहां पे जैसे मैं दोस्तों अपना लिख देता हूं राजीव इनकम, और यहां पे मैं इसको सेव कर देता हूं। अभी दोस्तों, मैं अपने कहीं भी नजदीकी में साइबर कैफे से जाके और इसका प्रिंट आउट मैं ले सकता हूं। तो दोस्तों, ऐसे आप भी अपना घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और दोस्तों अपने आय प्रमाण पत्र को अपना ऑनलाइन अपने घर बैठे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। फिर भी आपके मन में कोई सवाल हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और साथ ही में हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।